हमने जो पहले डिस्कशन की थी कि जो पेपाल है दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लेकिन साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है बट एज वी स्पीक टूडे पेनियर इज अ सर्विस जो कि मिलियंस ऑफ बिजनेसेस फ्री लांसर्स ई कॉमर्स स्टोर को ये अनेबल करता है कि आप आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सेंड भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स को कंपनीज पेनियर के अकाउंट को यूज भी कर सकती हैं टू सेंड एंड रिसीव मनी ये बिल्कुल पे की तरह ही है लेकिन द गुड न्यूज इज़ कि पेनियर इज़ नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान तो वॉट वी कैन से अगर मैं अब पाकिस्तान में बैठा हु तो अब मुझे ये तो फिक्र है कि पेपाल क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट गेटवे है तो वो तो सर्विस अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर पेनियर भी नहीं होता तो एक्चुअली मेरे पास बाहर से पैसे रिसीव अगर मैंने करने हैं और अगर मैं फ्री लांसर हूँ या फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से पैसे रिसीव करना चाह रहा हूँ सो देन आई विल हैव ट्रबल एंड फ्रेंकली स्पीकिंग वी आर एक्चुअली हैविंग ट्रबल लेकिन जो जब से ये पेनियर की सर्विस पाकिस्तान में आई है तो इसने एक्चुअली बहुत हेल्प की है बहुत हेल्प की है फ्री बिजनेसिस को लेकिन इट इज यू नो इट इज क्रीपिंग ये ग्रो कर रही है अभी लेकिन जब भी कोई चीज किसी कंट्री में आती है या किसी भी मार्केट में आती है तो आते साथ ही एक दिन में उसका बूम नहीं आ जाता अब लोग ऐसा ऐसा इसको यूज करना शुरू हुए हैं लेकिन द गुड न्यूज इज कि अब हम मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ बाहर से पैसे रिसीव भी कर सकता हूं और बाहर में पैसे सेंड भी कर सकता हूं तो पेनियर इज अवेलेबल इन पाकिस्तान सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम ये देखें कि जस्ट टू ओवर व्यू के पेनियर कैसे काम करता है इसके जो पेनियर है इसकी एक स्पेशल फैसिलिटी है अब ये आप मेरे दिमाग में रख रहे कि पेनियर इज नॉट अ बैंक इट इज पीयर टू पीयर ट्रांसफर यानी मेरा अकाउंट पेनियर पे है जिसको मैंने पैसे सेंड करने हैं उसका अकाउंट भी पेनियर पे है तो मैं अपने पेनियर अकाउंट से दूसरा जो बंदा है जिसको मैं पैसे सेंड करना चाह रहा हूं उसके पेनियर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा तो देर इज नो बैंक एक्चुअली इन्वॉल्व इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर और ट्रांसफर यानी विदाउट एनी थर्ड पार्टी तो ऑन टॉप ऑफ इट जो पेनियर है पेनियर अपना एटीएम कार्ड इशू करता है एटीएम कार्ड भी इशू करता है यानी इसको ऐसे समझें कि मेरा पेनियर पे अकाउंट है मैंने पेनियर पे साइन अप किया जो हम लोग अभी करके देखते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद मेरे पास पेनियर का एटीएम कार्ड आ जाएगा और डेजिग्नेटेड बैंक के अकाउंट्स पे यानी डेज़िनेटेड बैंक की ब्रांचेज पे मैं वो आ, आ, जो पेनियर का अकाउंट है या जो 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 पेनियर का ए कार्ड है वो मैं यूज कर सकता हूँ टू विड्रॉ अमाउंट इन द लोकल बैंक दिस इज अ वेरी बिग न्यूज के आप यूं समझें कि मेरा पेनियर में अकाउंट है मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया मुझे बाहर से किसी ने पैसे भेजे मेरे पेनियर अकाउंट में अब उस पेनियर अकाउंट में रहते हुए मैं पेनियर का एटीएम कार्ड जस्ट लाइक एनी एनी अदर बैंक ए टी एम कार्ड मैं उस पेनियर के ए टी एम कार्ड को यूज करूँगा और डेजिग्नेटेड बैंक पे जाके मैं वो जो पैसे हैं विदड्रॉ कर लूँगा ऑन टॉप ऑफ इट अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये भी है कि मेरा अगर बैंक में फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर लोकल बैंक में अकाउंट है तो मैं अपना पेनियर का अकाउंट भी किसी बैंक से लिंक कर सकता हूं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पेपॉल में देखा था कि लेर सपोज मेरा बैंक अकाउंट फॉर एग्जाम्पल एच बी एल में है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है तो मैं वो बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूँ पेनियर के अकाउंट से तो बाहर से पैसे आए मेरे पेनियर के अकाउंट में मैंने वो पैसे पेनियर के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए मेरे पास अब दो ऑप्शन है या तो मैं पेनियर के एटीएम कार्ड से वो पैसे विड्रॉ कर लूँ एटीएम से या मैं उस पेनियर के अकाउंट की जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दूं लोकल बैंक में जो मैंने उस पेट के अकाउंट्स के साथ अटैच किया हुआ है तो द पॉइंट इज के लोकल वाइल्स सिटिंग इन पाकिस्तान अब मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अब मैं बाहर से पैसे रिसीव कर सकता हूँ द ओनली इशू विच रिमेन टू बी सॉल्व इज द प्रोसेसिंग टाइम देखें अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो जो पैसे ट्रांसफर होते हैं मेरे अकाउंट में वो इंस्टेंटली हो जाते हैं या बहुत जल्दी हो जाते हैं अब क्योंकि बाहर से पैसे आ रहे हैं तो इट विल टेक यू you नो know, फ्यू डेज टू तो कंप्लीट दिस ओवरऑल ट्रांजेक्शन मतलब तो यू हैव टू वेट तो ये सिर्फ अभी तक एक ड्रॉबैक है लेकिन yes, अब आप आ, जो जो लिमिटेशन थी ऑफ नॉट टू रिसीव यानी मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए अब पैसों को रिसीव कर सकूँ बाहर से वो अब आ, वो अब मसला सॉर्ट आउट हो गया